हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज की जो स्टोरी है, यह एक ऐसी स्टोरी है जो हमें हमारी कमियों को बताएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वह है हमारी कंफर्ट जोन। जी हाँ, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है जो हम सुख सुविधा में रहते हैं, बस उसी में रहना चाहते हैं। हमको लगता है यदि हम कुछ नया करेंगे, कुछ और करने की सोचेंगे, तो फिर हमारा जो ये आराम है ये हमसे छीन जाएगा। खाना, सोना, ये तो सब कोई करता है, लेकिन उसके आगे भी कुछ करने की सोचनी चाहिए, भले ही इससे हमारे आराम में थोड़ी दिक्कत आए। यदि हम हमेशा हम अपने आराम को लेकर के बैठे रहेंगे तो हम कभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक राजा था, उसे किसी ने दो बाज गिफ्ट किए। वो बाज बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नस्ल के थे, और राजा को बाज बहुत पसंद भी था। राजा ने बाज की देखभाल के लिए एक आदमी नियुक्त किया। वो आदमी दोनों बाजों को अच्छे से देखभाल करने लगा, बाजों को ट्रेनिंग देने लगा। राजा धीरे धीरे, कुछ दिन बीत गया तो फिर उन्हें बाज की याद आई। उन्होंने सोचा चलो देखूं क्या हाल है, क्या बाज में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, क्या वो उड़ने लगे हैं, क्योंकि जब बाज को दिया था किसी ने तो वो बहुत छोटे थे। फिर राजा उस जगह पर गए, उस व्यक्ति से मिलने जो बाज को ट्रेनिंग दे रहा था। फिर उन्होंने उससे कहा कि इन बाजों को थोड़ा उड़ाओ, मैं भी देखूं कि किस तरह ये उड़ान भरते हैं। उस व्यक्ति ने कहा दोनों बाज बहुत अच्छी नस्ल के हैं, लेकिन इन दोनों में एक कमी है। एक तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ी दूर उड़ के फिर आके अपनी डाल पे बैठ जाता है। वह उड़ता ही नहीं है चाहे जितना उसे सिखाओ। राजा ने सोचा क्या कमी हो सकती है। फिर राजा ने पूरे अपने नगर में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ा देगा, उड़ने की ट्रेनिंग दे देगा, उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। फिर एक किसान आया और उसने बाज को उड़ा दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो बहुत खुश हुए कि ऐसा इसने क्या कर दिया कि बाज उड़ने लगा। उस किसान से उन्होंने पूछा, उसे बहुत सारा धन दौलत दिया, और उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्या कर दिया कि ये बाज उड़ने लगा। तो उसने कहा मैंने सिर्फ उस डाली को काट दिया जिस पे वो बैठा था, क्योंकि वो उसका कंफर्ट जोन था। जिस पे वो बैठता था हमेशा आके थोड़ी दूर उड़ के जाता था, फिर वो आके आराम से बैठ जाता था, और जब मैंने उस टहनी को ही काट दिया तो फिर वो आसमान में उड़ने लगा। इसी प्रकार हम सब हैं। यदि हम थोड़ा सा अपनी सुख सुविधा को कम करें, अपने आप को थोड़ा तपाएं, तो हम सोने की भात निकल सकते हैं, और इस प्रकार से हम जीवन में सफल बन सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता, और हम सबसे अच्छे बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।